Students, in last lecture we have been discussed on provincial administrations part 2, the Sarkar administration of Mughal Empire. Now we will discuss on the Pargana administration of Mughal Empire. The important or main officer of this Pargana was Shikdar. और हम देखते हैं कि Shikdar जो है वो Pargana का प्रथम अधिकारी होता है. And he was under Fauzdar. और वह Fauzdar के अधीन काम करता है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए Shikdar Pargana में liable होता था and he was liable to maintain the law and order in Pargana and he also assist to Amil to collect the revenues और वह आमिल की जो आमिल निर्धारित revenue या भूमिकर होता था उसको इकट्ठा करने का काम करता था उसकी सहायता करता था and he also perform as a judicial duty in this particular Pargana और वह Pargana में न्यायाधीश के रूप में भी काम करता था और अब हम देखेंगे अगला अधिकारी जो परगने में था रेवेन्यू से रिलेटेड या भूमि कर से संबंधित वह था आमिल सो आमिल वाज द फाइनेंस ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर परगना और यह वित्त अधिकारी था एंड द मेन ड्यूटी ऑफ दिस आमिल वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम परगना और इसका मुख्य कार्य परगना में जितना भी भूमि कर था उसको इकट्ठा करना था और उसकी वसूली करने के बाद यह पूरी की पूरी धनराशि को जिले में या सरकार के ट्रेजरी में भिजवा दिया करता था देयर आर मेनी अदर ऑफिसर्स लाइक कारकुन दे वर एक्चुअली क्लर्क टू हेल्प दिस पर्टिकुलर आमिल और आमिल की सहायता के लिए परगना में कारकुन नाम के कुछ लिपिक होते थे जिन्हें क्लर्क कहते हैं वो इसकी सहायता करते थे एंड अनदर रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस परगना वॉज कॉल्ड कानूनगो और इसके अलावा एक और अन्य अधिकारी परगना में होता था उसे कहते थे कानूनगो एंड ही हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्टेड रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और हम देखते हैं कि इस कानूनगो का जो मुख्य कार्य था वह भूमि कर की जमा और बकाया राशि का पूरा रजिस्टर और इसका विवरण रखना था एंड देयर आर पटवारी ऑल्सो टू असिस्ट दिस कानूनगो और वहां पर हम देखते हैं परगना में कई पटवारी हुआ करते थे जो इस कानूनगो की सहायता के लिए और उसके अंडर में उसके अधीनता में काम करते थे देयर वर मेनी ऑफ द फौजदार्स और ईच परगना हैज अ फौजदार एंड खजानदार दैट वाज अ पर्टिकुलर ट्रेजरी ऑफिसर और हम देखते हैं कि फौजदार या खजानदार नाम का एक परगने में भी अधिकारी होता था जो परगना का कोषा प्रभारी होता था कोषागार का प्रभारी होता था जो परगने में आने वाली सभी रेवेन्यू या भूमि कर को इकट्ठा करके उसे मुख्यालय या सरकार के मुख्यालय में भेजता था एंड ही इज अ ड्यूटी टू सेंड द कलेक्टेड रेवेन्यू टू द हेड क्वार्टर ऑफ सरकार अनदर ऑफिसर हु वर्कड इन परगना वॉज कॉल्ड अमीन और अमीन नाम का एक नया अधिकारी भी परगना में काम करता था इसका मुख्य कार्य था कि जितनी भी कृषि भूमि है उसका हिसाब रखना लगान का निर्धारण करना कृषकों को पट्टे देना और उनसे कबूलियत प्राप्त करना नाउ द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर परगना वॉज कॉल्ड अमीन एंड ही हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर लैंड एंड ही हैज अ ड्यूटी टू डिक्लेयर द और फिक्स द रेवेन्यू रेट एंड टू प्रोवाइड द पट्टा टू कृषक और किसान और पीजेंट्स एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द कबूलियत लेटर्स और एफिडेविट फ्रॉम द फार्मर्स और पीजेंट्स और इसका मुख्य काम भूमि कर का हिसाब रखना लगान निर्धारित करना कृषकों को पट्टे देना और उनसे कबूलियत पत्र प्राप्त करना था द अनदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर वॉज कारकुन कारकुन वॉज अ स्पेसिफिक ऑफिसर हु मेंटेन द रजिस्टर और अकाउंट ऑफ दिस परगना और कारकुन का काम परगना में जितना भी रेवेन्यू से संबंधित काम होता था भूमि कर से उसका हिसाब किताब लिखना था सो दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ परगना बट इन शाहजहां टाइम वी कैन सी हियर दैट अ चकला टाइप ऑफ यूनिट आल्सो फाउंड इन सम हिस्टोरियंस दे सेड दैट देयर वर मेनी ऑफ द चकलास बिटवीन सरकार और परगना और हम देखते हैं शाहजहां के समय में कुछ इतिहासकारों का मत है कि परगना और सरकार के बीच में एक और इकाई प्रशासनिक इकाई काम करती थी जिसे चकला कहा जाता था लेकिन वो कुछ कम ही दिखाई देती है नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ लास्ट यूनिट और सबसे निचली इकाई जो प्रशासन की थी वो थी ग्राम और ग्राम को यहाँ पर हम देखते हैं मुगल काल में मावदा या डीह भी कहते थे दे वर कॉल्ड मावदा और डीह And many of the colonies in this particular village were called Nagla. और
मावदा में या गांव में जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उन्हें नागला भी कहते थे। देवर एक्चुअली ऑटोनोमस, और हम देखते हैं यहाँ पर गांव का जो प्रशासन था उसे ऑटोनोमस या स्वायत्त संस्था के रूप में देखा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिनिस्ट्रेटर डोंट वांट टू इंटरफेयर इन दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर और द एडमिनिस्ट्रेशन। और हम देखते हैं कि प्रशासन कभी खास तौर से ज्यादा सामान्यतः इनके जो प्रशासन थे उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, बस इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही काम था और बाकी का काम यहाँ पर इन लोगों को ही अपने द्वारा करने के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि ये लोग अपने खुद के प्रशासन को चुपचाप से अपना करते रहें और उन पर ज्यादा कोई दबाव ना बनाया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशासनिक ढांचे में जो ग्राम प्रधान होता था या जो मुकदम होता था वही इस गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। एंड द ग्राम प्रधान और मुकदम वॉज द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राम एंड ही हैज अ ड्यूटी और लाइबिलिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर विलेज। और वही ग्राम का प्रधान था और गांव में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए वही जिम्मेवार था। और उसका ही उसकी जिम्मेवारी थी कि वो राजस्व अधिकारियों की सहायता करके जो भूमि कर है उसको संग्रहित करवाता था, इकट्ठा करवाता था। एंड ही हैड अ ड्यूटी टू हेल्प द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विलेज। एंड ही ऑल्सो गॉट द 2.5% कमीशन फॉर दिस वर्क। और इसके बदले में उसे जो रेवेन्यू पूरा कलेक्ट किया जाता था गांव का, इकट्ठा किया जाता था, जो उसका 2.5% उसे इसके मजदूरी के रूप में मिलता था। कहीं कहीं जमींदार या चौधरी भी भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी गांव में नियुक्त किया जाता था। समटाइम्स द फ्यूडल्स एंड चौधरीज ऑल्सो इम्पोस्टेड मेन और चीफ ऑफिसर फॉर दिस पर्टिकुलर गांव। एंड अनदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर विलेज हैज बीन अपॉइंटेड नेम पटवारी। और पटवारी भी गांव में एक प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। एंड ही ऑल्सो मेंटेन द रजिस्टर ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पर्टिकुलर विलेज। और जो गांव की समस्त कृषि भूमि का लेखा जोखा रखता था। पटवारी वॉज लोएस्ट रैंक ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और पटवारी राजस्व विभाग का सबसे निम्न स्तर का अधिकारी माना जाता है। एंड ही ऑल्सो प्रोवाइडेड 1% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर विलेज। और उसे गांव की जितनी भी लगान होता था, वसूला जाता था, उसका 1% उसको प्राप्त होता था। एंड ऑल द डिस्प्यूट्स हैज बीन कंट्रोल्ड और सॉल्व्ड बाय द पंचायत्स ऑफ द विलेज। और जितने भी परस्पर विवाद गांव में होते थे वो सभी पंचायतों के द्वारा निपटाए जाते थे। सो दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल डायनेस्टी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर हायरार्की। नंबर वन, वी कैन सी हियर दैट देर इज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देन आफ्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी ऑफ द प्रोविंसेस। देन ईच प्रोविंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू सरकार्स एंड ईच सरकार हैड बीन डिवाइडेड इनटू परगनास एंड ईच परगना हैड बीन डिवाइडेड इनटू मेनी ऑफ द विलेजेस। सो दिस इज अ हायरार्की। तो हम इस तरह से इस पूरी हायरार्की को समझ सकते हैं, किस तरह से मुगल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन से लेके राज्य प्रशासन में हमने पूरा प्रशासन देखा। और केंद्र प्रशासन कई राज्यों या प्रांतों में विभाजित थे और प्रत्येक प्रांत कई सरकारों में विभाजित था, प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी और प्रत्येक परगना कई ग्रामों में विभाजित किया गया था। तो इस तरह से हम मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन को समझ सकते हैं। थैंक यू।